हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू और प्याज के छिलकों के फर्टिलाइज़र। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके हम आपको जानकारी देंगे। तो इस तरह से हमें ये जो प्याज होता है इसके हमें छिलके ले लेने हैं। इस तरह से जो ऊपर का जो छिलका होता है ये हमें लेना होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो छिलके हैं इस तरह के हमें छिलके लेने हैं। तो इसी तरह से हमने ये देखिए आप इतने छिलके तैयार किए हैं और दो से तीन प्याज के छिलके हमें 1 लीटर पानी में भिगोने हैं 24 घंटे के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने भिगो दिया है प्याज के छिलकों को और ये आलू के छिलकों को हमने भिगो दिया है। ये हमारे 24 घंटे से भीग रहे हैं, इन्हें आप 24 से 48 घंटे तक भिगो सकते हैं। इस लिक्विड को हम छान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लिक्विड प्याज का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो चुका है। तो 1 गिलास अगर हमने फर्टिलाइज़र लिया है तो 1 गिलास ही हमें पानी लेना है। एक गिलास हमने लिक्विड लिया है तो 1 गिलास ही हम इसमें पानी मिक्स करेंगे और इस लिक्विड को हम अपने प्लांट की मिट्टी में डालेंगे और इसी तरह से हम तैयार करेंगे ये जो हमारे पास आलू का लिक्विड फर्टिलाइज़र है देंगे। और इसके गुण क्या क्या होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसमें वो सभी गुण होते हैं जो हमारे प्लांट को हेल्दी रखते हैं और हमारे प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है इसे हमें सप्ताह में 1 बार ही अपने प्लांट में यूज़ करना होता है। और अगर आपके पास ज़्यादा इस तरह से प्याज के छिलके स्टोर हो रहे हैं तो इनको आप सुखा के और स्टोर करके रख सकते हैं। प्याज और आलू के छिलकों का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी बनाकर आप अपने पाउडर बनाकर भी आप अपने प्लांट में की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो इसको आप सुखा लें और सुखाने के बाद इसको आप अपने गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से आप 1 प्याज के छिलकों को 1 गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये गमला है, ये 10 इंच का गमला होगा तो इसमें भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी हटा दें, मिट्टी हटा के और 1 प्याज के छिलकों को इस तरह से भी आप दबा सकते हैं। इस तरह से आप मिट्टी में दबा सकते हैं और इसको आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 1 गमले में 10 से 12 इंच के गमले में आप 1 गिलास डाल सकते हैं इस तरह का। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 8 दिन में 1 बार डालें। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से पहले आप अपने मिट्टी की गुड़ाई कर लें 1 दिन पहले, उसके बाद ही आप इसको डालें तो ये अच्छा काम करेगी। अगर आपके गुलाब के प्लांट में या कोई भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप जब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग होगी और फूल का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होगा, देख सकते हैं आप। और बहुत ही हेल्दी प्लांट है हमारा, ये भी देख सकते हैं आप। इसमें आप देख सकते हैं न्यू ब्रांचेस भी आ रही हैं और एक साथ कई कलियाँ भी इसमें आ रही हैं। अगर आपके गुलाब के प्लांट में या गुड़हल के प्लांट में पत्तियां पीली हो रही हैं तो इसका क्या कारण है ये आप देख सकते हैं। अगर आपके गुलाब में पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप पत्तियों को पलट कर देखें, कीड़े तो नहीं हो रहे हैं या उसमें क्या कारण है ये आप ज़रूर जान लें। तो आप देख सकते हैं हमारे जो प्लांट है इसकी पत्तियाँ कितनी हेल्दी हैं। गुलाब के प्लांट की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही इस तरह से भुरभुरी होनी चाहिए और पानी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं भरना चाहिए, ओवर वाटरिंग जो होती है वो नहीं करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही हमें पानी देना है।
जब हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो उससे भी हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। हमारे प्लांट की मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए, इससे क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो एसिडिक मिट्टी बनाने के लिए आप इसमें नींबू, मौसमी या संतरे के छिलके लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं, या उसको सुखाकर पाउडर फॉर्म में भी आप अपने गुलाब की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। तो इससे आपको 8 दिन में एक बार ही देना है, तो इससे आपका जो गुलाब का प्लांट है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और फूल का जो साइज होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। इस समय अगर आपके पास नींबू या संतरे के छिलके नहीं हैं तो आप इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती या कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं, इससे भी आपके जो प्लांट की मिट्टी है वो एसिडिक होगी। इसमें आप कॉफ़ी पाउडर या चाय की पत्ती 1 चम्मच डाल सकते हैं इस तरह से, और इसको मिट्टी से इस तरह से आप कवर कर दें और इस पर पानी डाल दें। तो इसे भी आपको 8 दिन में एक बार ही डालना होगा। पानी का विशेष ध्यान रखें कि पानी जो है बहुत ही कम डालें। जब आप देखें इस तरह से कि मिट्टी सूख गई है उसके बाद ही आप पानी डालें। ज़्यादा मॉइस्चर से भी आपका जो प्लांट है वो सूख सकता है, पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और आपके प्लांट में फंगस भी लग सकता है। तो पानी आप मिट्टी को चेक करके ही अपने प्लांट को दें। जिस तरह से हमें विटामिन की ज़रूरत होती है, कैल्शियम आयरन की ज़रूरत होती है, ठीक इसी तरह से हमारे प्लांट को भी विटामिन व कैल्शियम आयरन की ज़रूरत होती है। अगर आपके प्लांट को आयरन की ज़रूरत है तो आप इस तरह से, ये जो चुकंदर है इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो इसको हमने ग्रेट करके रख लिया है, ग्रेट करके इसको हमने सुखा लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से मिट्टी में भी आप इसको दबा सकते हैं। तो इसको इस तरह से 1 चम्मच हमें लेना है और मिट्टी में इसको इस तरह से हमें दबा देना है और इसमें पानी डाल देना है। तो ये इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो ये हमारे प्लांट को जो आयरन की ज़रूरत पूर्ति करेगा। ये अगर आपके प्लांट को कैल्शियम की आवश्यकता है तो आप इसमें 1 चुटकी बुझा हुआ चूना डाल सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें, तो इस तरह से आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें और उसके बाद इसमें आप 1 चुटकी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस तरह से 1 चुटकी आप चूना लेके अपने प्लांट में डाल सकते हैं और उसको इस तरह से मिट्टी से कवर कर दें और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। एक पॉट में 1 लीटर पानी पर्याप्त होता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा जब हम पानी भर देते हैं तो हमारा प्लांट जो है वो सूखने लगता है, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं वो गलने लगती हैं। तो इसी तरह से आप भी होममेड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं फ्री में और अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं और प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास कंपोस्ट बिन है तो उस कंपोस्ट बिन में आप इन छिलकों को, जो भी किचन वेस्ट होता है, उनको आप कंपोस्ट बिन में डालकर कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपोस्ट बिन नहीं है तो आप इन छिलकों को धूप में सुखाकर, जो भी आपके पास किचन वेस्ट है वो उसको आप धूप में सुखाकर पाउडर फॉर्म में आप अपने प्लांट की मिट्टी में दे सकते हैं। इससे आपका प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी रहेगा, उसे सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे, सारे विटामिन्स मिलेंगे। जब भी आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दें तो शाम के टाइम ही दें, और अगर आप इसका स्प्रे करें, इंसेक्टिसाइड हो या जो भी पेस्टिसाइड हो आपके पास, जो भी स्प्रे आप करना चाहें वो भी आप शाम को ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। तेज़ धूप में आप अपने प्लांट को पानी ना दें, पानी आप शाम को दें या फिर सुबह के टाइम 6 बजे से पहले ही अपने प्लांट को पानी दें, तो इससे आपका जो प्लांट है वो बहुत ही हेल्दी रहेगा। आप अपने दोपहर को अगर आप अपने प्लांट को पानी देते हैं तो आपका प्लांट जो है वो सूख सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, गर्मी बहुत होने लगी है, धूप भी बहुत तेज़ होती है, तो बहुत तेज़ धूप में आप अपने प्लांट को पानी देने से बचें। ये बहुत ही अच्छा होता है और फ्री में ये तैयार हो जाता है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने प्लांट को हेल्दी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट से फ्लावर लें।
ये जो प्याज का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसे आप स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट पे, जिससे आपके प्लांट की पत्तियां जो हैं बहुत ही हरी रहेंगी और आपका प्लांट देखने में बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं और इससे आपके प्लांट में इंसेक्ट भी अटैक नहीं करेंगे। तो ये प्याज का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये आपके प्लांट को बहुत ही हेल्दी रखेगा। तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं एक यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।